सोलन के फॉरेस्ट रोड पर रात को एक 11 वर्षीय बच्ची रोते हुए लोगों से काम मांग रही थी। वहां से गुजर रही महिलाओं की नजर उस बच्ची पर पड़ी तो उन्हें बच्ची को अकेला देख उसे रात को अपने घर में शरण दी। जब उसे रात को काम मांगने की वजह पूछी गई तो मालूम पड़ा कि बच्ची अपनी सुतेली माँ और पिता की मार से डर कर अपने गाँव से 25 किलोमीटर दूर सोलन आ गई थी। पीड़ित बच्ची ने बताया कि उसकी माता की मृत्यु हो चुकी है और पिता ने दूसरी शादी कर ली है और जब से सौतेली माँ घर पर आई है तब से पिता का व्यवहार भी उसके प्रति बदल चुका है और वह उसे रोज मारपीट करते हैं और उन्होंने उसे यह कहकर घर से बाहर निकाल दिया है कि अगर वह दोबारा घर में आई तो उसे बेहद मार पड़ेगी। इसलिए वह अपने घर से भाग कर सोलन आ गई और यहाँ काम की तलाश कर रही है। और मेरे पापा ने मेरे को मार रहे थे और मैं भाग के आई इधर और फिर पापा मेरे को बोल रहे थे बोलो घर में आएंगे तो बोलो इतना मारेंगे बोल रहे थे तब मैं इधर को भाग के आ गई। तो फिर मम्मी को लाई उड़ीसा से बहुत दूर से। मैंने घर नहीं जाना मेरे को मारते पापा मम्मी। जब उससे पूछा गया कि वह घर से जाना चाहती है तो उसने मार की वजह से घर जाने से साफ इनकार कर दिया। वही बच्ची के लिए मसीहा बनी महिलाओं ने कहा कि रात को उन्होंने बच्ची को देखा था वह भूख से बेहाल थी और वह काम मांग रही थी तो उन्होंने बच्ची को अकेला पाकर उसे अपने घर में रख लिया। भाग के आई हुई ना घर से और इसकी मम्मी पापा इसको मारते हैं तो ये बोलती कि आज के बाद मैं घर नहीं जाऊंगी ऐसे बोलती है। तो ये हमारे को फॉरेस्ट रोड में मिली सर ऐसी रोती हुई आई हुई थी ने कल शाम को आई थी तो हमने रख लिया इसको। तो इसके चोटे वगैरह भी लगी है? हाँ जी पांव में लगी हुई टांग में लगी हुई सर इसकी ना और जैसे सिर पे बता रही है क्या सिर पे तो बोलती है अपने पापा ने हथौड़ा से मारा था तब टांग के लगी हुई इसके ऐसे बोल रही थी ये अब भी बच्ची के शरीर पर चोटें लगी हुई हैं इसलिए अब सहमी हुई बच्ची घर वापस नहीं जाना चाहती। इस घटना में सुखद बात तो यह रही कि बच्ची को समय रहते हुए महिलाओं ने देख लिया। अगर बच्ची किसी अनजान शख्स के हाथे चढ़ जाती तो यह एक बड़ी घटना हो सकती थी। फिलहाल बच्ची को पुलिस के हवाले कर दिया गया है और बच्ची के परिजनों से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। सोलन से ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।